नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे तथा अपनी तैयारी की ओर अग्रसित होंगे। आप लोग एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने सोचा है कि इस बार हम अपने जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, हम उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग तीन का वो टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग तीन का वो टॉपिक जो बताता है कि अगर मैं अस्तित्व में नहीं हूँ तो आपके अधिकारों की सुरक्षा कोई कर नहीं सकता। अगर आपके लिए मैं सजग प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करता हूँ तो आप अपने सर्वांगीण विकास को कहीं ना कहीं शून्य पाते हैं, कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास में कुछ कमी रह जाती है। आइए आज उसी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें। हम लोग देखते हैं और जब कभी हम लोग बात करते हैं कि भाई मानव है, मानव होने के नाते हमारे दो अधिकार हैं, एक विधिक अधिकार है और एक मौलिक अधिकार है। विधिक अधिकार संविधान से उत्पन्न हुआ अधिकार है, मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदेय अधिकार है। संविधान में ऐसे अधिकारों को लिखा गया है, व्याख्यायित किया गया है और फिर कहा गया है कि ये अधिकार आपके जीवन के विकास के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए आपको ये अधिकार मिलते हैं। फिर कहा गया लेकिन इनमें से चूंकि आप मेरे राज्य के नागरिक हैं इसलिए मैं आपको विशेष अधिकार देता हूँ और जो लोग केवल मानव हैं, बाहर से मेरे राज्य में आए हैं, मैं उन्हें व्यक्ति होने के नाते भी कुछ मौलिक अधिकार देता हूँ, लेकिन आप मेरे नागरिक हैं इसलिए मैं आपको विशेष अधिकार देता हूँ। चलिए भैया, भारतीय संविधान ने क्या किया? संविधान नायक जो थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान को एक शक्ति प्रदान कर दी। हम आम जनमानस ने कहा कि हमारा संविधान हो, हम अपने संविधान के नायक हो, हमें किसी और की सत्ता नहीं चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भारतीय संविधान ने आपसे बताया कि मैं कौन हूँ, महोदय मैं भाग एक हूँ, जो बताता है कि ये पूरा भाग और ये राज्य क्षेत्र कौन है, भारत है। भाग एक बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं भारत हूँ, और पूरा भारत में जो राज्य क्षेत्र है किसका है, मेरा है, इसलिए मैं भाग एक हूँ जो कहता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। फिर यहीं पे कहता है चूंकि ये राज्य क्षेत्र भारत है इसलिए भारत में रहने वाले मेरे लोग कौन होंगे, मेरे नागरिक होंगे। भारत में रहने वाले मेरे लोग कौन होंगे, मेरे नागरिक होंगे, जिन्हें मैं भाग दो में बताता हूँ। सोचिए कितना अच्छा विश्लेषण रहा होगा संविधान नायक का। पहले राज्य क्षेत्र बताते हैं, फिर उसमें निवास करने वाले लोगों को नागरिक बताते हैं, फिर कहते हैं भैया आपका कुछ अधिकार है ले जाइए, आपका कुछ अधिकार है ले जाइए। तब जाकर आपने किसको पकड़ा, भाग तीन को, जो क्या कहता है, कहता है मनुष्य के अपने अधिकार है, कुछ अधिकार प्रकृति प्रदेय है, जन्म से प्रारंभ होते हैं और मृत्यु के साथ जाते हैं। तो ये कौन से अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किस भाग में वर्णन किया गया है, भाग तीन में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो कहा जाता है भाग 12 से लेकर 35 तक में भारतीय संविधान के भाग तीन में ऐसे मौलिक अधिकार का वर्णन है। मैंने क्या कहा, हम आपको मौलिक अधिकार नहीं पढ़ाने वाले। मौलिक अधिकार तो हम लोग कई बार पढ़े हैं, हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं जो मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित कर देता है।
अपने को सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा कर देता है। बताता है कि भले ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन परिभाषित नहीं है, व्याख्यायित नहीं है, किंतु न्यायिक पुनराविलोकन भारतीय संविधान में मुझमें समाहित है और मैं वो कठोर कवच हूँ जो मैं अपने नागरिकों के लिए दिन रात खड़ा रहता हूँ, और मैं दो शस्त्र के रूप में, मैं दो अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 का अधिकार, अनुच्छेद 32 का हथियार दे देता हूँ, तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 का हथियार दे देता हूँ कि तुम नागरिकों के सजग प्रहरी हो, इसलिए जागो और उनके अधिकारों की सुरक्षा करो। तो किसकी बात करेंगे? भले ही भारतीय संविधान का भाग 3 ये दर्शाता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन है, मूल अधिकार का वर्णन है, लेकिन दूसरे ही पल अगर आप सिविल तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस पैटर्न को लेकर चल रहे हैं और आपने एक लक्ष्य या एक ख्वाब सजो रखा है कि मुझे पीसीएस परीक्षा देना है और इस पीसीएस परीक्षा में मुझे सफल अभ्यर्थी बनना है, तो आप इस बात की गहनता को ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 12 कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 12 कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तब आप कहते हैं लेकिन मैम भाग 3 में है, 12 से 35 तक में बताया गया है। तब भैया भाग 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 12 बताता है, लेकिन वो कहता है मैं राज्य हूं। मैं कौन हूं? मैं राज्य हूं। क्यों बताता है? कहता है मैं वही राज्य हूं जिस राज्य में रहकर आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, मैं वही राज्य हूं। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि मैं भी तो कोई मौलिक अधिकार नहीं हूं। आज का वास्तव में टॉपिक हमारे लिए अनुच्छेद 13 ही। अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई मैं भी तो कोई मौलिक अधिकार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं मूल अधिकारों की प्रकृति बताता हूं, मैं मूल अधिकारों का विश्लेषण करता हूं, प्रकृति उसका स्वरूप बताता हूँ, मैं मूल अधिकारों का विश्लेषण करता हूँ, अर्थात मैं आपसे कहता हूँ कि परेशान मत होइए, मैं आपसे कहता हूँ परेशान मत होइए, आप जाइए अपने राज्य में आराम से रहिए, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करिए, ऐसे अधिकार जो आपके जीवन को आगे ले जाने में सहायक है, निश्चिंत होके जाइए। लेकिन अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों को छीनेगा तो आप मत परेशान होइए, मैं खड़ा हूं ना सुरक्षा कवच के रूप में, और मैंने दो सजग प्रहरी जगा दिए हैं, मैंने दो सजग प्रहरी जगा दिए हैं जो क्या करेंगे, जो आपके लिए कार्य करेंगे, जो आपको आपके सुरक्षा की बात करेंगे। तो आज किसकी बात हम लोग करेंगे? हम लोग करेंगे अनुच्छेद 13 की बात। अनुच्छेद 13 अगर आप व्याख्या करते हैं तो आप पाएंगे कि वास्तव में अब तक एक मौलिक अधिकार के रूप में दिख रहा था, लेकिन वास्तव में मौलिक अधिकार के सर्वाधिक सिद्धांत, सर्वाधिक व्याख्या इसी अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 13 का कहना है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, इसका मतलब ही है असंगत का मतलब जो मेल ना खाती, जो मूल अधिकार के साथ चल ना पाती हो, ऐसे विधियों की बात किया है। चलिए भाई क्या कहता है? कहता है कि मूल अधिकारों को
अनुच्छेद 13 क्या करता है, ना केवल भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, ना केवल भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है बल्कि न्यायिक समीक्षा की भी व्याख्या करता है। न्यायिक समीक्षा की भी व्याख्या करता है। सिंपल सा मतलब है कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का प्रकृति और स्वरूप विश्लेषित करता है। इतनी चीजें रखने वाला अनुच्छेद संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है, अपनी वास्तविकता दिखाता है कि संविधान सर्वोच्च है। आप चाहकर भी 368 का प्रयोग नकारात्मक नहीं कर सकते कि मूल अधिकारों में कमी ला सके, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं सीधे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा की बात कर दूंगा। मूल अधिकार की प्रकृति कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसके गुणवत्ता में आप गुणवत्ता में सुधारात्मक बढ़ाव कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि 368 का प्रयोग करके संसद मनमाना करके क्या कर दे, कहीं से भी मूल अधिकारों को न्यून कर दे, तो ये मान्य नहीं होगा, ये अवैध होगा, ये शून्य होगा। चलिए भाई, तो इसका मतलब अगर इतनी व्याख्या आपने देख ली तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कथन कारण में सवाल बन जाए, हो सकता है निम्न में से क्या सही है करके सवाल बन जाए, या हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए कि वास्तव में मूल अधिकार क्या, ऐसा कौन सा अधिकार है जो सुरक्षा कवच को दर्शाता है। तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं, आयोग आपसे क्या जानना चाह रहा है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आयोग जानना चाह रहा है कि वास्तव में क्या आप अनुच्छेद 13 की व्याख्या कर पाए हैं। आज इसी अनुच्छेद 13 की हमें बात करनी है। अनुच्छेद 13 करता क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सुरक्षा कवच है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। चलिए भाई, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान कर देता है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या करता है कि शक्ति प्रदान कर देता है। कैसे कहता है, जब कभी आप किसी के अधिकारों को छीन रहे होंगे, जब राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के अधिकार छीने जा रहे होंगे, तो मैं ये शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं सुरक्षा कवच हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वतः ना जाऊँ, लेकिन मैं सुरक्षा कवच होने के नाते शक्ति प्रदान कर दूंगा। न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से पूछा गया किसको, मैं सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान कर दूंगा, मैं सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान कर दूंगा। किसके माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से। किसके माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से मैं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान कर दूंगा। किसके माध्यम से,
अनुच्छेद 226 के माध्यम से। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं इस न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता हूं। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता हूं। फिर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, प्री के दृष्टि से भी मजबूत है, और जब संविधान की वास्तव में व्याख्या करनी हो तब भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा, इसके पूरे फैक्ट को तैयार करिएगा और उसके बाद अनुच्छेद 13 में कही गई बातों को समाहित करिएगा, अनुच्छेद 13 में कही गई बातों को समाहित करिएगा। चलिए भाई, बात करते हैं न्यायिक पुनराविलोकन की। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो आप कहते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्या वास्तव में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन को परिभाषित किया गया है? कहीं इसका अलग से अनुच्छेद है ही नहीं, कहीं अलग से परिभाषित है ही नहीं। तो कहा गया, तब कहा गया यही अनुच्छेद 13 इसको व्याख्यायित कर देती है। अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक पुनराविलोकन व्याख्यायित है। कैसे व्याख्यायित है? ये विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों की वैधता की जांच करता है। क्या करता है भाई? विधान मंडल विधि पारित करती है। तो न्यायिक पुनराविलोकन किस लिए आया है? तो अनुच्छेद 13 कहता है कि इसको अलग से परिभाषित कहीं नहीं किया गया है। मैं अनुच्छेद 13 यूएसए के प्रावधान को देखता हूं और इसकी व्याख्या कर देता हूं। कहा गया कैसे? विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की वैधता की जांच कौन करेगा? तो कहा गया, विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की वैधता की जांच न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होगी। न्यायिक पुनराविलोकन कहलाएगा, अर्थात एक ऐसी न्यायिक समीक्षा, एक ऐसा न्यायिक सिद्धांत जो कहता है कि अधिनियम ऐसा पारित ना हो जो देश हित में कार्य ना करे। अर्थात आपको याद होगा मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथककरण सिद्धांत। क्या किया था उन्होंने? शक्ति पृथककरण, पावर जो क्या था, सेपरेट कर दिया था, यानी प्रत्येक शक्तियों को पृथक कर दिया था। इन्होंने कहा था संविधान ने अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, भाई जनता ने मांग की संविधान की, और संविधान बनाकर जनता ने संविधान से कहा कि हमें न्याय दो, हमें अधिकार दो, हमें समानता दो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें इतना अधिकार दो कि हम अपने धर्म को जी सके, अपने कल्चर को जी सके, अपने सोसाइटी में अपने सम्मान के साथ रह सके। संविधान ने कहा ठीक है, मैं भले न जाऊं लेकिन मैं एक सहायक आपको देता हूं। कौन है वो? सरकार। सरकार क्या करेगी? सरकार आपके लक्ष्यों को, आपके उद्देश्यों को पूर्ण करेगी। सरकार पूर्ण करेगी तो इसका कार्य कैसे होगा? तो संविधान ने कहा कि जो प्रमुख विचारक, महत्वपूर्ण विचारक मोंटेस्क्यू है, उन्होंने जो दिया है शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, मैं उसी के आधार पर सरकार आपको दे रहा हूं। सरकार के तीन अंग होंगे, एक होगा लेजिस्लेचर, एक होगा जुडिशियरी, एक होगा एग्जीक्यूटिव।
तो वही अनुच्छेद 13 कहता है कि लेजिस्लेचर किस लिए है। भैया लेजिस्लेचर है ताकि जब कभी विधि बने तो वो विधि देश और जनहित को ध्यान में रखकर बने। किसी कारणवश ऐसी विधि बन जाए जो जनहित, देश हित या संविधान का अतिक्रमण करती हो तो अनुच्छेद 13 कहती है मैंने दो हथियार दे रखे हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, वो क्या करे, वो तुरंत न्यायिक समीक्षा कर दे। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की वैधता करना, इसीलिए जो जुडिशियल बॉडी होती है उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा गया है ताकि वह यह वैधता की जांच कर सके कि विधायिका ने जिस विधि का निर्माण किया वो देश हित के अनुरूप है कि नहीं, या कार्यपालिका ने जिस प्रकार से विधि को लागू किया क्या वो वास्तव में विधि लागू करते समय नियमों को फॉलो किया गया या तानाशाही का कार्य किया गया। तो ये क्या था, विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की वैधता की जांच करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है भारतीय संविधान में। ये सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसको भारतीय संविधान में अलग से परिभाषित नहीं किया गया, केवल अनुच्छेद 13 में आपको ये दिखेगा। अब आते हैं हम लोग कहां, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 वास्तव में मांगता क्या है और आपका अनुच्छेद 13 कहता क्या है। अनुच्छेद 13 मांगता क्या है, आपका अनुच्छेद 13 कहता क्या है, इस पर जिक्र करें। मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यही है ऐसा अनुच्छेद 13 तीन प्रकार से कार्य करता है। बहुत बड़ी व्याख्या है, मतलब अगर मैं सच में कहूं कि अनुच्छेद 13 हम नहीं जानते तो हमें मौलिक अधिकार जानने का भी अधिकार नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुरक्षा कवच क्यों है और वास्तव में इसके बिना क्या हम लोग मौलिक अधिकार को जीवित रख सकते हैं, ये अपनी प्रामाणिकता बता देता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां, अनुच्छेद 13 खंड 1 कहता है संविधान पूर्व विधियां क्या कहता है, संविधान पूर्व विधियां, इसका मतलब जब संविधान नहीं बना था आप कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अनुच्छेद 13 खंड 2 कहता है संविधान नेतर विधियां, संविधान नेतर विधियां पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अनुच्छेद 13 खंड 3 कहता है अधित्यजन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, आप इसको कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेब,
ये तीन है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे तब समझ जाएंगे। ऐसी विधियां जो नियम कानून उपकानून विधि रूढ़ी प्रथा ये सब समाहित करें जो कानूनी शक्ति प्रदान करते हो, इस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 13 खंड 1 देखा जाए, फिर बता दूं न जाने कितने सिद्धांतों का उदय करने वाला अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 खंड 1 क्या कहता है, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो। अब आप कहेंगे संविधान पूर्व विधियों का क्या मतलब, संविधान पूर्व भारत राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां, कोई भी विधि थी, इनके बारे में बात कर रहा है कि मान लीजिए भारत राज्य क्षेत्र में संविधान के पूर्व कोई विधि लागू होती है। चलिए मान लीजिए जो भी विधि लागू है इन विधियों में से कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब कोई विधि संविधान के निर्मित होने के पहले भारत में बनी थी वो विधि मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती, तो क्या ऐसा होगा कि वह विधि मूल अधिकारों से टकराएगी या वह विधि मूल अधिकारों पर प्रभावी रहेगी। तो अनुच्छेद 13 खंड 1 कहता है संविधान पूर्व भारत में अगर कोई विधि लागू थी जो मूल अधिकारों से असंगत है तो जब परिपेक्ष में आएगा मूल अधिकार के, किसके परिपेक्ष में, जब किसके संदर्भ में, जब ये मूल अधिकार के संदर्भ में आएगा तब ऐसी विधि क्या हो जाएगी, उस समय आच्छादित हो जाएगी, उस समय आच्छादित हो जाएगी, अर्थात उस समय उस विधि का कोई महत्व नहीं होगा। किसके परिपेक्ष में, मूल अधिकार के परिपेक्ष में। ऐसा नहीं कि वो अपने अतीत के विधि के लिए मान्य नहीं होगी, मान्य होगी। भाई संविधान बना तब मूल अधिकार आया और ऐसी विधि भारत में आरंभ से थी और उस विधि के द्वारा कई केस कई वाद हल हुए हैं, तो वो मामला तब था जब भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, मूल अधिकार नहीं आया था। कोई विधि अगर ऐसी है जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती तब कहा गया उस समय के लिए मान लिया जाएगा कि वह विधि आच्छादित हो गई है। वह विधि आच्छादित हो गई है, कह कैसे, इसका मतलब ये हो कि वह विधि शून्य है, कह नहीं, वह विधि प्रारंभ से शून्य हम मानेंगे ही नहीं। भाई उस विधि को हम प्रारंभ से शून्य क्यों मान ले, क्योंकि उस विधि की अतीत में एक अहमियत है, इस परिपेक्ष में वो शून्य है। अगर वह इस परिपेक्ष में शून्य है इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं है, वह अतीत के समव्यवहार के लिए बिल्कुल सटीक है और सही है और वो विधि मान्य है। यहाँ वह विधि जीरो हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी विधि प्रारंभ से शून्य होगी, उसका जो पोर्शन मूल अधिकार से टैली नहीं करता वह विधि मूल अधिकार से टैली नहीं कर सकती, उस समय तक के लिए मान लिया जाएगा कि ग्रहण का सिद्धांत लागू हो गया। ग्रहण का सिद्धांत मतलब, ग्रहण का सिद्धांत मतलब घने कोहरे का छाया, कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए उस विधि का ना दिखना, अर्थात मूल अधिकार ज्यादा मजबूत है, वो खड़ा है, वो विधि आपको दिखाई नहीं देगी। वो विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होगी, क्योंकि संविधान क्या कर सकता है, मूल अधिकारों को प्रामाणिकता देने के लिए, मूल अधिकारों को व्याख्यायित करने के लिए उसमें परिवर्तन करके, उसको संशोधित करके उस विधि को पुनर्जीवित कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 13 खंड 1 ये कहता है कि अगर संविधान के पूर्व बनाई गई कोई विधि मूल अधिकार से मेल नहीं खाती, असंगत है, तो ऐसी विधि आरंभ से शून्य नहीं होगी। उस समय उस वाद विशेष के लिए जो मूल अधिकार के लिए है, कुछ समय के लिए आच्छादित तो हो जाएगी। कुछ समय के लिए इसमें मान लिया जाएगा कि घने कोहरे जैसा एक आवरण बन गया, वो विधि दिखाई नहीं दी। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए, इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि एक व्यक्ति ए है जिसने 1949 में आम की चोरी की थी, कहां से चोरी की थी भाई, राजा के मुख्य सेनापति के यहां से चोरी की थी, राजा के मुख्य सेनापति के यहां से चोरी की थी, आम की चोरी हुई थी। ऐसे व्यक्ति को, ए को 10 वर्ष की सजा मिली थी, जुर्माना अलग लगा था, उसकी संपत्ति छीन ली गई थी। मामला आया एक और कि एक व्यक्ति बी है जिसने उत्तर प्रदेश से राज्यपाल के यहां से ढेर सारे फल चुरा लिए। सिंपल बात समझा रहे, इसलिए सिंपल सिंपल छोटी छोटी लॉजिक लेकर चल रहे हैं। फल चुरा लिए, सेम रखिए ताकि समझ में आए। अब बी ने चोरी कब किया, तो भैया मान लीजिए कोरोना का काल था, 2020 में बी ने चोरी कर लिया। अब ए के जो परिवार वाले हैं, खानदान वाले, ए तो अब मान लीजिए कि ये सजा भोग के जा चुके हैं, नियम था, और जो राज्यपाल है उन्हें भी लग रहा है कि राजा के मुख्य सेनापति के यहाँ चोरी हुआ था, तो 10 वर्ष की सजा थी। ठीक, मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो एक अस्तित्व है, केंद्र सरकार का मैं एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के लिए मैं बैठा हूँ, तो मेरा भी एक अस्तित्व है, तो क्या करना चाहिए, एट लीस्ट 10 वर्ष तक तो सजा ना दे, मान लीजिए तो 5 वर्ष दे दे, ठीक, जुर्माना दे दे। न्यायालय ने कहा कि जब आप उस विधि को देखते हैं, तब ऐसा नहीं था, तब होता क्या था, अगर यही आम की चोरी सेनापति के घर ना करके राजा के महल में कर ली जाती, केवल आम चोरी हुआ होता, एक ही व्यक्ति चोरी किया होता, तो शायद फांसी हो जाती, शायद फांसी हो जाती, लेकिन संविधान बन गया। संविधान कहता है भैया आपने जिस समय जो कार्य किया था, वो कार्य करते समय वो कार्य चोरी है, तब आप चोर होंगे, और जितनी मात्रा में आपने अपराध किया है उतनी ही मात्रा में दंड मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो मैं तो संविधान को फॉलो कर रहा हूं, आप इस समय अगर अधिकार मांग रहे, अधिकार देख रहे, तो मान लीजिए ऐसी घटना नहीं हुई थी, कुछ समय के लिए घना कोहरा डाल दीजिए, ग्रहण का सिद्धांत ला दीजिए, आच्छादित कर दीजिए, जो भी विधि मूल अधिकार से टैली नहीं करेगी वो आच्छादित मान ली जाएगी। ऐसी विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होता। अब राज्यपाल महोदय अड़ गए, विधानमंडल को लगा ठीक है भैया चलो संशोधन कर दो। क्या संशोधन किया, कि ये जो जिस सेक्शन में दिया गया था, ये सजा जिस सेक्शन में दिया गया था, आईपीसी का रूल था, आज से वो निरसित। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, प्रारंभ से शून्य नहीं थी, जब आपने विवाद किया तो इसको जीवित रखने के लिए न्यायपालिका ने क्या किया, न्यायिक समीक्षा की और उसको शून्य घोषित कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादित सिद्धांत किस में आता है, अनुच्छेद 13 खंड 1 में आता है, इसको बोलते हैं। अच्छा, आपसे सवाल भी पूछा जाता है, आपसे सवाल भी पूछा जाता है, कभी कभी अनुच्छेद 13 डायरेक्ट ना पूछकर पूछा जाता है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है,
और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तब आप बताते हैं आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 खंड 1 में है, जो बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत होने पे कोई विधि आरंभ से शून्य नहीं होगी, लेकिन उस समय मान लिया जाएगा कि एक प्रकार से आच्छादित हो गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसके परिप्रेक्ष्य में? मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में। बाकी वो विधि जीवित रहेगी, उस विधि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में वो क्या हो जाएगी? दिखाई नहीं देगी, घने कोहरे की छाया आ जाएगा। इसलिए ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस में है? अनुच्छेद 13 खंड 1 में है। अनुच्छेद 13 खंड 1 के लिए कहा जाता है, अनुच्छेद 13 खंड 1 के लिए कहा जाता है कि ये खंड भूत लक्षी नहीं है। भूतलक्षी नहीं है मतलब ये संविधान के अतीत पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये संविधान के बाद बनाई गई विधियां, बनाई गई अधिनियम, बनाए गए व्याख्या पर प्रभाव डालेगी। अगर ये उस विधि से टैली नहीं करती तो उस समय के लिए उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा, आरंभ से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर संविधान को, संसद को लगता है कि ये बार बार विवाद का मुद्दा बन रहा है तो उसमें संशोधन करके उसे पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए कहा जाता है अनुच्छेद 13 खंड 1 भूतलक्षी नहीं है, भूतलक्षी नहीं है। चलिए अनुच्छेद 13 खंड 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अनुच्छेद 13 खंड 2 क्या कहता है? ये विधानमंडल को रोक देता है, विधानमंडल को रोकता है। किस कार्य के लिए रोकता है ये भी समझिए, राज्य को रोका गया। किस बात के लिए रोका गया? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा अनुच्छेद 13 खंड 2 क्या कहता है? राज्य को रोकता है, विधानमंडल को रोकता है, कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती, जो मूल अधिकारों को छीनती हो, मूल अधिकारों को न्यून करती हो, अथवा मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, मूल अधिकारों को न्यून करती हो, अथवा मूल अधिकारों पर अतिक्रमण करती हो। अगर राज्य ऐसी विधि बनाता है, अगर राज्य ऐसी विधि बनाता है तो यह विधि अतिक्रमण की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी, आरंभ से शून्य। अतिक्रमण की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी, इसलिए पहले ही रोक दिया गया ना आपको। आपसे कहा गया भैया संविधान बन गया, 13 खंड 2 कहता है संविधान पश्चात पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, संविधान के निर्माण के बाद विधानमंडल को रोका गया कि राज्य अब संविधान बन गया है, अब आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो, या उसका अतिक्रमण करती हो, अथवा 13 खंड 2 का उल्लंघन करती हो।
मैंने तीनों शब्द बताया है, ऑप्शन में तीनों आए, व्याख्या करते समय तीनों आए, कथन कारण में तीनों आए, आप ध्यान रखेंगे। मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो, अतिक्रमण करती हो, अथवा 13 खंड 2 का विरोध करती हो, उल्लंघन करती हो, तो जितनी मात्रा तक उल्लंघन किए करेगी उतनी मात्रा तक ये शून्य मानी जाएगी। इसमें एक सिद्धांत आया है, इसमें एक सिद्धांत आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब पृथककरणीयता का सिद्धांत। पृथककरणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? पृथककरणीयता का सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए मैंने आपको रोक दिया कि आप ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो विधि मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो, अतिक्रमण करती हो। मान लीजिए आपने कोई विधि बनाया, क्या कह रहा है, मान लीजिए आपने कोई विधि बनाया ये विधि था, एक कानून आया 2022 में, कहा गया इसको लागू किया जाएगा 10 जनवरी 2023 को। मान लीजिए एक कानून बना, अधिनियम आया, राज्य विधानमंडल या संसद विधानमंडल एक कानून लाता है, ठीक, विधानमंडल एक कानून लाए कि भैया मैं कानून ला रहा हूँ, प्रस्ताव ला रहा हूँ, आज ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो 10 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। चलिए भाई, विधान क्या था? विधान था, इसका नाम है नई शिक्षा नीति। कहा गया नई शिक्षा नीति कहती है, इसका 1 से लेकर 3 तक का जो क्लॉज है, 1, 2, और 3 पॉइंट जो है, क्या कहता है, कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाता था, अब उसमें अंग्रेजी विशेष की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा तो दी जा रही है, दी जाती रहेगी, इसकी गुणवत्ता सुधार करते हैं, अंग्रेजी विशेष की शिक्षा दी जाएगी, उसमें कंप्यूटर को भी शामिल किया जाए ताकि तकनीकी विकास हो। चलिए भैया, आपने, हम सब लोगों ने पढ़ा, 4 में और 5 में 2 खंड थे, 1 और 2 2 खंड थे। 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट कहता है कि सरकार आरक्षित वर्ग के जो भी शिक्षा विद्यार्थी हैं, आरक्षित वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं रिसर्च कार्य में लगेंगे तो उनको अब से 10,000 पर मंथ क्या कर देगी, 10,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देगी। इसका दूसरा खंड कहता है आने वाले समय तक सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं 2 वर्ष तक रिसर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वर्ग रिसर्च के मामले में पिछड़ा है, ये वर्ग रिसर्च के मामले में पिछड़ा है। और यही दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अगर अगर इसमें संशोधन किया गया तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट को समाप्त कर दिया जाएगा अगर कोई 4-5 को छूता है। फिर क्या था, 6-7 कहता है नई शिक्षा नीति हर हाल में शिक्षा में गुणवत्ता के लिए लाई जाए और पढ़े लिखे लोगों को ही विभागों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी जाए। चलिए भाई, मैंने बताया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो, न्यून करती हो या छीनती हो। राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाएगा तो वह विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
इसमें मैंने आपको बताया पृथक करणीयता का सिद्धांत। अब क्या था, राज्य ने कहा ऐसी विधि आरंभ से शून्य होगी, फिर कहता है पृथक करणीयता का सिद्धांत। इसका मतलब मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया, इस कानून का उद्देश्य था नई शिक्षा नीति के तहत अच्छे कार्यों को, अच्छी गुणवत्ता को शामिल करना, लेकिन राज्य ने 1, 2, 3 पॉइंट तो अच्छा किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की भी शिक्षा मुफ्त में दी जाए ताकि तकनीकी सुधार हो, लेकिन राज्य ने जो ये कह दिया कि 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट में ये बोल दिया कि भैया आरक्षित वर्ग को रिसर्च के लिए 10,000 की राशि अलग से दी जाएगी, बाकी सबको तो मिल ही रही है, ये तक तो ठीक था, लेकिन जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं आगामी 2 वर्ष तक रिसर्च नहीं करेंगे, पर्याप्त तो प्रतिनिधित्व इनका नहीं था, ये कार्य राज्य का था, किसी के अधिकार छीन के दूसरे के अधिकार को कैसे दे देंगे। और फिर आपने ये भी कह दिया कि अगर इस पॉइंट पे संशोधन किया जाएगा तो 1, 2, 3 खत्म हो जाएगा, 1, 2, 3 खत्म हो जाएगा, और 6, 7 क्या कहता है, गुणवत्ता राज्य को लगा, संविधान को लगा, अनुच्छेद 13(2) को लगा कि अरे ये 1, 2 पॉइंट ठीक है, अगर 6, 7 नंबर को मैं पृथक कर दूं, मैं 6, 7 पॉइंट को हटा दूं, तब भी कानून बचा है। कौन सा 6, 7 पॉइंट हटने के बाद ये शून्य घोषित कर दूं, तब भी 6, 7 तो अलग है, वो केवल ये कहता है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में गुणवत्ता को ध्यान दिया जाएगा, प्रत्येक विभाग में शिक्षा के आधार पर लोगों की नियुक्ति होगी। 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट सही कह रहा है, 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट सही कह रहा है, ये खुश हो गए, इन्हें लगा हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं। चलिए भाई, जब 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट हटा दिया गया तो भी कानून पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो किसको पृथक किया गया, 1 से लेकर 5 तक को पृथक करके इसे अवैध घोषित कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया, और 6, 7 को कानून बना दिया गया। मान लीजिए 6, 7 को हटाने में पूरा कानून जीरो हो जाएगा, जबकि 6, 7 बहुत अच्छा है, इसका पारित हो जाना देश हित के लिए अच्छा है, किंतु कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मूल अधिकार को न्यून करते, थोड़ा सा कम करते हैं, तो भी पूरे अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, किंतु किसी भी प्रकार से किसी के भी मौलिक अधिकार को न्यून मात्रा तक नहीं कम किया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए भाई, अनुच्छेद 13(2) है, अनुच्छेद 13(1) में एक चीज और याद रखिएगा, एक केस आया था, एक वाद आया था भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, किसमें आया था, अनुच्छेद 13(1) में आया था भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मामला 1955 का था, ये है आच्छादन के सिद्धांत को भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा प्रामाणिकता प्रदान की गई थी। अब 13(2) पढ़ा तो 13(3) पढ़ लीजिए, तेरा खंड तीन कहता है अधित्यजन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेब्स, अभी बताया मैंने, ऐसी विधियां जो किसी नियम, उपनियम, अधिनियम अध्यादेश रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज के अधीन कानून शक्ति प्राप्त करती है, वो विधि जो कानून किसके तहत, अब रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज ये ना हो कि भैया सती प्रथा बाल विवाह हमारे यहां प्रथा है,
आपको कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही करना है। और कानूनी शक्ति कैसे दिया जाएगा, खंड एक और खंड दो ने बता दिया कि हम न्यायिक समीक्षा कर लेंगे, हम न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेंगे। तो क्या करिए भैया, इन सब में सुधार करिए, इन सब को कानूनी शक्ति प्रदान करिए। बिना विधि के, बिना कानून के ये सब मान्य नहीं होंगे। और यही 13 खंड 3 कहता है, कोई भी व्यक्ति ये सोचे मैं स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग कर देता हूं, स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग कर देता हूं, तो ये भी असंभव है। भाई 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मैं कह दूं ठीक है मेरे बच्चे शिक्षा पा गए, आप मेरे हिस्से का मौलिक अधिकार ले लीजिए, आप शिक्षा पा जाना, सर्विस कर लेना, मुझे देते रहना, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने जीवन जीने का अधिकार को बहुत जी लिया, मेरे बदले आप ले लीजिए, मैं त्याग करता हूं। भैया भारत था जब संविधान निर्मित हुआ तो सब शिक्षित नहीं थे, सब सक्षम नहीं थे लोग। अगर इसको पारित कर दिया जाता, ये है कहां, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिन वो जो सक्षम होते हैं ना उस स्वेच्छा से परित्याग कर देते, क्यों? क्योंकि वहां विकास है, वहां लोग सक्षम है। भारत में ऐसा नहीं है। और भारत में अगर ये पारित हो जाए तो याद रखिएगा फिर ये मुद्दा विवादित हो जाएगा और इसका जमकर दुरुपयोग होगा। इसलिए अनुच्छेद 13 खंड 3 मना कर देता, कहता भैया विधि के अधीन इन्हें भी आना होगा। और यही बता देता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप कह दे मैं स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकार का परित्याग कर रहा हूं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। 13 खंड 4 आया है, इसी में अभी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किया गया, 13 खंड 4 लाया गया। 13 खंड 4 कहता है कि संसद चाहे भी तो 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद 13 की शक्तियों को कम नहीं कर सकती। संसद चाहे भी तो अनुच्छेद 13 खंड 4 कहता है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा आया है, कहता है कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग भले ही संसद करती है, हर जगह करती है, हर जगह करती है 368 का प्रयोग। और ऐसी संसद क्या करती है, ऐसी संसद संशोधन करके गुणवत्ता बढ़ाती है, कहीं घटाती है, किसी के अधिकार को कहीं देखती है कि कोई ऐसा तो नहीं जो स्वतंत्रता का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, सारी चीज़ों को ध्यान रखती है। इसी में ये आया था मामला और कहा गया 368 का सहारा लेकर भी न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को कम किया नहीं जा सकता। तो ये क्या था, मैंने कहा था ना कि जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये वास्तव में ऐसा है जो प्री मेंस, और वास्तव में अगर आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार को कोई छीन रहा है और किसी कानून को पृथक करना है, आच्छादित करना है, तब आप मुझे उसकी व्याख्या बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अनुच्छेद 13, मैंने कहा ऐसा है जो बताता है कि भले मैं मूल अधिकार नहीं हूं लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे मूल अधिकार को कोई छीना तो तुम सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, अनुच्छेद 32 मैंने हथियार दिया है उसको लेकर, उच्च न्यायालय चले जाओ, अनुच्छेद 226 मैंने हथियार दिया है उसको लेकर, गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकारों को प्रत्याभूत प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 13 है। तो इनके अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। मिलते हैं कुछ अच्छे से ऐसे ही टॉपिक के साथ। ये क्लास, ये जिसकी तैयारी हम लोग करते हैं, जिसका हम लोग ख्वाब सजो के रखते हैं, PCS, ये पद अपने आप में बड़ा ही लोकप्रिय पद होता है और इस लोकप्रिय पद को पाने के लिए हमारी अभिलाषा और बढ़ जाती है। जब अभिलाषा बढ़ जाती है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उस नैतिक जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए अपने को लगा देना है, नियमित पढ़ते रहना है, और क्या करना है, केवल मेहनत करना है, वही क्या करेगा आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।